हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ साइंस महासंग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि डे वन और डे टू का कुछ सिलेबस हिस्सा हो चुका था, अब हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ते हैं, डे थ्री में बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दर्पण सूत्र। इंग्लिश में कहते हैं मिरर फॉर्मूला। एक अवतल दर्पण लिया, इसका वक्ता केंद्र सी, ध्रुव पी और इसके बीच का मध्य बिंदु मुख्य फोकस होगा एफ होगा। सपोज हमने वस्तु को रखा एफ और सी के बीच में, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। अवतल दर्पण को जब हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को F और C के बीच रखते हैं तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक बनेगा। अब वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, वस्तु से आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। इसमें हम ये देखेंगे कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है उसको बोलते हैं वस्तु की दूरी, u। u होगा हमारा वस्तु की दूरी, या आप वस्तु को बिंब भी कह सकते हो, बिंब के नाम से भी जानते हैं, ऑब्जेक्ट। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण से यहां बना, ये होगा v। V होगा क्या? प्रतिबिंब की दूरी। P से C के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? R। R को बोलेंगे वक्ता त्रिज्या। अब P तथा F के बीच की दूरी क्या होगा? स्मॉल f कहते हैं फोकस दूरी। दर्पण सूत्र क्या होगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। f बराबर क्या होता है? r/2। तो यहां से f की वैल्यू रखेंगे r/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/r। ये दोनों क्या है? दर्पण का सूत्र है। इस आधार पे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2022 के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सब हम करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है। आसपास की जो वॉइस आ रही होगी उसको आप लोग इग्नोर करके चले, क्योंकि बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है गोलीय दर्पण का आवर्धन। यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, गोलीय दर्पण का आवर्धन किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। कितनी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक बताएं। बना लेते हैं अवतल दर्पण, वस्तु को रखते हैं एफ तथा सी के बीच में, तो याद करो प्रतिबिंब यहां बना था। वस्तु की ऊंचाई को एच कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश के नाम से जानते हैं, ठीक है। आवर्धन, आवर्धन इसको कहते हैं इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना आवर्धित हुआ, कितना मैग्नीफाइड हुआ,
मैग्नीफाइड वर्ड से याद रखना कि जो इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो वस्तु की तुलना में कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, ये आवर्धन बताएगा। तो आवर्धन निकालते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई की तुलना करते हैं वस्तु की ऊंचाई के, प्रतिबिंब की ऊंचाई की तुलना वस्तु के साथ करते हैं कि ये प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बना या कितना छोटा बना, वो बताना है हमें, आवर्धन बताएगा। तो सिंपल डेफिनेशन है कि किसी वस्तु गोली दर्पण का आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को के अनुपात को आवर्धन कहेंगे। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा कुछ इस तरह से लिखते तो बेहतर होगा, किसी गोली दर्पण द्वारा। अच्छा एक बात याद रखिए, यहाँ गोली दर्पण का यूज किया गया, इसमें आवर्धन अवतल उत्तल दोनों के लिए होगा, इनफैक्ट समतल के लिए भी होगा। हम लोग बारी बारी से तीनों का आवर्धन निकालेंगे, ठीक है। तो किसी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मैग्निफिकेशन M से डिनोट करेंगे आवर्धन को, इसे स्मॉल m से सूचित करते हैं। किसे डिनोट करना है? स्मॉल m से। तो क्या होगा आवर्धन? मैग्निफिकेशन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? आवर्धन होगा। क्या माना गया, क्या लिया गया है? h डैश, वस्तु की ऊंचाई को क्या लिया गया है? h। और एक और फॉर्मूला होगा, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये हो गया वस्तु की दूरी, तो m बराबर h डैश बट्टे h। अवस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी है v, अवस्तु की दूरी है u, है ना। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा आवर्धन का, m बराबर v बाई यू। साइन डिपेंड करता है, किसी में माइनस लगता है किसी में प्लस लगता है। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा। देखो वस्तु की ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ऊपर जितनी भी दूरी है वो उसको हम प्लस मानते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे है तो क्या मानेंगे? माइनस। तो m इक्वल्स टू होगा माइनस h डैश बट्टे h। प्रतिबिंब की दूरी क्या है? प्लस भी माइनस भी, आपतित किरण के विपरीत दिशा में। और वस्तु की दूरी भी क्या है? माइनस u होगा क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m बराबर क्या होगा? ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो m बराबर होगा माइनस वी बाई यू, ये माइनस यहाँ आ गया। तो आवर्धन का एक दो फार्मूला, एक तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को भी आवर्धन कहेंगे, दूसरा आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात को आवर्धन कहेंगे, ऋणात्मक अनुपात। अब किसी में प्लस भी हो सकता है, अभी हम लोग उत्तल में देख सकते हैं किसी में प्लस भी होगा किसी में माइनस भी होगा, दोनों का अलग अलग डिपेंड होता है। बात करेंगे एसआई मात्रक की। एसआई मात्रक क्या होगा आवर्धन का? वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर वो मीटर में होगा तो वस्तु की ऊंचाई भी मीटर में है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, कुछ नहीं बचा, मतलब मात्रक विहीन होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। किसका? गोली दर्पण के आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रक विहीन होता है, ठीक है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है,
कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, गोली दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, गोली दर्पण के आवर्धन का एसआई मात्रक। तो इसका कोई एसआई मात्रक, मात्रक विहीन होता है, यूनिट लेस होगा। इस तरह से आएगा तो एग्ज़ाम में आप इतना कर सकते हैं, परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आवर्धन हम लोग निकालेंगे तीनों दर्पण में बारी बारी से। सबसे पहले अवतल दर्पण का आवर्धन निकालते हैं। ये रहा अवतल दर्पण। वस्तु को सीएफ के बीच में रखे, प्रतिबिंब यहां बना। तो इसमें एच हो गया, ये एच डैश हो गया, एम बराबर एच डैश बट्टे एच। उत्तल दर्पण में देखते आवर्धन, ये रहा उत्तल दर्पण। वस्तु को यहां रखा गया तो इसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। ये है एच, तो ये है एच डैश। एम बराबर क्या है, एच डैश बट्टे एच, सेम फॉर्मूला होगा। देखते हैं समतल दर्पण का आवर्धन, ये है समतल दर्पण। वस्तु यहां रखे तो प्रतिबिंब यहां बना, सेम डिस्टेंस पे बनेगा। ये एच है वस्तु की ऊंचाई, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, एम बराबर होगा एच डैश बट्टे एच। इसका भी सेम फॉर्मूला होगा। अब देखो अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। वस्तु जितना अवतल दर्पण से दूर जाएगा प्रतिबिंब उतना छोटा बनेगा, जितना पास होगा उतना बड़ा बनेगा। तो वस्तु को रखा गया है पास में, मतलब ये हुआ कि एच डैश वाला टर्म जो है वो बड़ा है, एच डैश एच से बड़ा है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ी होती है जब वस्तु अवतल दर्पण के ठीक सामने हो। तो जब एच डैश बट्टे एच बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू एक से बड़ा होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में हमेशा छोटा होगा, एच डैश छोटा होगा, एच बड़ा होगा। इसका मतलब है कि ये टर्म छोटा है, ये नीचे वाला टर्म बड़ा है, तो m जो होगा वो एक से छोटा होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बराबर है, दोनों की ऊंचाई बराबर है, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाई बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों बराबर है तो कैंसिल होके वन आएगा, तो ये आगे m इक्वल्स टू वन। तो अवतल दर्पण का जो आवर्धन होगा वो एक से बड़ा होगा, उत्तल दर्पण का आवर्धन एक से छोटा होगा, और समतल दर्पण का आवर्धन एक के बराबर होगा, है ना। इस तीनों में कंपैरिजन याद रखना, आवर्धन का आप लोग याद करोगे, ठीक है। एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के बीच का आपको अंतर पूछ सकता है। क्या होगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर, ये क्वेश्चन बना लेते हैं इसका। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको दो जगह डिवाइड कर लो, बाईं ओर अवतल दर्पण लिया गया, दाईं ओर उत्तल दर्पण लिया गया। पहली बात कि अवतल दर्पण
की प्रावर्तक सतह धसी है, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी है। पहला पॉइंट जो होगा अंतर, दोनों में डिफरेंस है ना, अंतर है ना कि इसकी परावर्तक सतह धसी है, इसकी परावर्तक सतह उभरी है, ये पहला अंतर हो गया। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी ही होती है, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है। पहला पॉइंट, ये धसी है, ये उभरी है ना। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। अवतल दर्पण में वस्तु को पी एफ के बीच रखेंगे, प्रतिबिंब पीछे बनेगा, वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब पीछे, वस्तु एफ पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु एफ तथा सी के बीच में प्रतिबिंब सी के बाहर, वस्तु सी पर प्रतिबिंब सी पर। मतलब ये समझ में आया कि अवतल दर्पण में केवल पी एफ के बीच में वस्तु को रखते हैं तो आभासी बनता है, अब बाकी वास्तविक बनता है। उत्तल अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी भी होगा और वास्तविक भी होगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों होता है। देख सकते हो वस्तु को पीएफ के बीच रखा गया तो आभासी बना, और पीएफ के बीच में छोड़कर कहीं और रखेंगे तो वास्तविक बनेगा। उत्तल दर्पण में देखते हैं, यहाँ पी है, ये सी है, ये एफ है, वस्तु को कहीं भी रखो पी के बाहर परावर्तक सतह की ओर सामने रखना पड़ेगा, तो इस साइड वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर दाईं ओर बनता है, आभासी बनता है हमेशा, कभी भी इसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। सेकेंड पॉइंट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, इसमें वास्तविक आभासी दोनों होगा, इसमें केवल आभासी बनेगा। अब कंपैरिजन करते हैं वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। देख सकते हो आप लोग, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और अवतल में छोटा और बड़ा दोनों बनेगा। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा तथा बड़ा दोनों बनता है। इसमें आ जाओ, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा हमेशा छोटा बनता है। अवतल दर्पण में आवर्धन और उत्तल दर्पण में आवर्धन की बात करते हैं। अवतल दर्पण का आवर्धन हम लोग अभी देख चुके हैं कि आवर्धन एक से बड़ा होगा और इसमें आवर्धन एक से छोटा होगा। इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए। चौथा डिफरेंस हम लोग लिखते हैं, इसका अवतल दर्पण का
आवर्धन एक से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का आवर्धन एक से छोटा होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि फोकस दूरी बाईं ओर होगा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा, दाईं ओर। तो दाईं ओर में जितनी भी दूरी मापी जाती है वो क्या होती है, सब प्लस। अब बाईं ओर जितनी भी दूरी होगा वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में होगा, तो माइनस। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या दोनों का दोनों क्या होगा, माइनस। इसमें फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या दोनों का दोनों क्या होगा, प्लस, क्योंकि आपतित किरण के दिशा में है। इसकी वक्ता त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होता है, दोनों ऋणात्मक होगा। इसकी वक्ता त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों धनात्मक होता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर, है ना। इसका चाहे तो उपयोग कर सकते हैं, उपयोग भी लिख सकते हैं कि इसका उपयोग वाहनों के अग्रदीप में, हेडलाइट में करते हैं, टॉर्च में, सर्च लाइट में करते हैं, सॉल्ट कुकर में करते हैं, दंत विशेषज्ञ क्या करते हैं, इसका भी उपयोग लिख सकते हो। इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर पर्स रिस्क के रूप में कर सकते हैं, करते हैं। तो ये हो गया अवतल अवतल दर्पण में अंतर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर इक्वल्स टू टू एफ पढ़ा गया था, दर्पण सूत्र वन बाय भी प्लस वन बाय यू बराबर वन बाय एफ, एम बराबर एच डैश बट्टे एच या माइनस वी बाई यू, ये फार्मूला पढ़ाया गया था। ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आर होगा वक्ता त्रिज्या, एफ होगा फोकस दूरी, आर हो गया वक्रता त्रिज्या, एफ है फोकस दूरी। और वी होगा प्रतिबिंब की दूरी, यू होगा वस्तु दूरी या कह सकते बिंब दूरी, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच वस्तु या बिंब की ऊंचाई। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम लोग करते हैं। पहला जो एग्जाम पॉइंट व्यू से आने वाला होगा, वीवीआई टॉप क्वेश्चन होगा पहला। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 मीटर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखना है इसमें, कि अवतल में फोकस बताया गया था कि अवतल उत्तल में फोकस आर बी यू
ये सब प्लस होगा या माइनस होगा उसका भी ध्यान रखना है। अवतल दर्पण रफ डायग्राम बना सकते हैं, उसकी जो त्रिज्या है वो बाईं ओर होगा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में होगा, तो आर क्या हो? आर क्या होगा? -10 मीटर। माइनस इसलिए क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में है वक्ता त्रिज्या, हमें निकालना है फोकस दूरी। फॉर्मूला क्या होता है? आर और एफ के बीच का रिलेशन, आर बराबर 2f। आर क्या है? -10 बराबर 2 × f। एफ निकालेंगे, -10/2 कितना आया? 5। एफ बराबर आया -5 मीटर। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा? 5 मीटर। माइनस साइन नहीं लेना है क्योंकि माइनस साइन तो सिर्फ आप वस्तु की आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति को बताएगा, माइनस साइन यहाँ पे ये बताएगा कि उस वस्तु का जो फोकस है वो बाईं ओर है। करते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है वो पूछा जा करते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य साइड मिरर के रूप में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, जिसकी वक्ता त्रिज्या दिया हुआ है 5 मीटर, है ना। उस उत्तल दर्पण से देखा गया है कि एक बस पीछे से आ रही है, जो दर्पण से कितनी दूरी पर पीछे बस है? 5 मीटर की दूरी पर वो बस स्थित है। तो उस बस का प्रतिबिंब, उस वो बस जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उस बस का जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है। तो इसमें दो विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो चित्र डायग्राम से, स्वच्छ किरण आरेख से भी कर सकते हैं। पहली विधि, पहले हम लोग डायग्राम से करते हैं, इसको बना लेते हैं उत्तल दर्पण। ये इसका ध्रुव है, ये वक्ता केंद्र, चूंकि बाईं ओर दाईं ओर होगा, किसी गोले का एक भाग होता है, फोकस इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु होगा ये। तो इस उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या दिया हुआ है? 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वक्ता त्रिज्या कितना है? 5 मीटर। एक बस, जो बस आएगी वो उत्तल दर्पण के सामने आएगी, मतलब परावर्तक सतह की ओर। तो यहाँ से यहाँ, सपोज ये बस यहाँ पर है, ये बस 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, जितनी दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या है उतनी ही दूरी 5 मीटर की दूरी पर एक बस स्थित है। तो यहाँ पर बस इससे आने वाली किरणें क्या होगा? अपसारित हो जाएगा, फैल जाएगा इस प्रकार। इसको जब पीछे बढ़ाया जाएगा तो लगेगा कि मुख्य फोकस से आती हुई किरणें प्रतीत होती हैं। ये दूसरी किरणें जो गुजरेगा वो कहां से? सी से गुजरेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहां बना? यहां बना। यहां बस है तो यहां क्या बना? बस का प्रतिबिंब बना। यहाँ बस है तो बस का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अच्छा, अब अंदाजा लगाओ कि बस का जो प्रतिबिंब है ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, फोकस दूरी कितना होगा? ये दूरी कितना होगा? 2.5 मीटर, है ना।
ये 2.5 मीटर होगा। बस जो है वो मेरे हिसाब से 2 मीटर के आसपास बना होगा। इस बस की जो प्रतिबिंब बनाया है, इस बस का जो प्रतिबिंब वो 2 मीटर के आसपास, क्योंकि ये दूरी है 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर के बीच नीचे ही होगा ये बस का प्रतिबिंब। ठीक है, बताओ इस बस वस्तु है, इसका प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति कैसा है? पहला पॉइंट आभासी बना, दूसरा पॉइंट सीधा बना, परंतु बस से छोटा प्रतिबिंब बना। इसका वास्तविक दूरी क्या होगा, वो दूरी सिर्फ हम लोग फॉर्मूला से ही ज्ञात कर सकते हैं, है ना? इसमें या फिर आप स्केल का यूज़ करोगे, एकदम बराबर दूरी डिस्टेंस मापोगे, ये 5 है, ये 5 है। अगर एक्यूरेट रे डायग्राम स्वच्छ किरण आरेख है, एकदम पैरेलल है, एक दूसरे की समांतर किरणें आपतित हो रही है, फिर डाइवर्ज हो रही है, अपसारित हो रही है, इसका दूसरी किरणें सी से गुजर रही है, तो उससे भी आप स्केल से माप के इसकी वास्तविक दूरी, प्रतिबिंब की वास्तविक दूरी कितना दूरी पर बना है वो भी आप बता सकते हो। एक स्थिति हो गया, एक तरीका हो गया कि हम डायग्राम से बना सकते हैं। दूसरा, फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। दिया हुआ है वस्तु की दूरी, दिया हुआ है निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। अब फोकस दूरी नहीं दिया हुआ, लेकिन वक्ता त्रिज्या दिया हुआ है, R/2 दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो इसका सेकंड मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, दूसरी विधि से। दूसरी विधि सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है वक्ता त्रिज्या 5 मीटर, क्योंकि वक्ता त्रिज्या दाईं ओर होगा उत्तल दर्पण का, ये प्लस होगा, प्लस वैल्यू है, एफ निकाल लेते 5/2 मीटर। दिया क्या हुआ है, वस्तु की दूरी 5 मीटर। ये जो बस है उत्तल दर्पण के सामने है, मतलब बाईं ओर है, तो ये माइनस होगा। हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी भी, है ना? फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v निकालना है, 1/u की वैल्यू क्या है, -5। 1/f क्या है, 5/2। 1/v प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ 2 ऊपर जाएगा, 2/5। 1/v = 2/5, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस 1/5 होगा। (1/v) = LCM लेंगे, सॉल्व करेंगे, 3/5 होगा, उल्टा कर दो, 5/3 मीटर। पॉइंट में लाओ, 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 8, 3 × 6 = 8। 1.6 मीटर होगा। ये वैल्यू प्लस में आई, तो प्लस का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब ये प्लस में आए, अतः प्लस साइन बताएगा कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है।